नमस्कार दोस्तों, बाजार की खबर में आज आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। काफी समय से इस शेयर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज अचानक से आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 20% की तेजी देखने को मिली है, और इस 20% की तेजी के पीछे का राज भी बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों, सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और क्या यहां से अब यस बैंक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या यहां पर प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए, या फिर कुछ समय के लिए और इंतजार करना चाहिए। सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो आज आपको 20% की तेजी देखने को मिली है, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको सारे रेजिस्टेंस और हर एक शेयर्स की अपडेट कंटिन्यूसली मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यस बैंक के शेयर्स को अगर आज देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अचानक से एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसे BSE और NSE दोनों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, सबसे पहले मैं BSE की बात करता हूँ। आज यस बैंक का शेयर्स BSE के अंदर 14.05 रुपये पर ओपन हुआ, और इसका प्रीवियस क्लोजिंग जो था वो भी 14.05 रुपये का ही था। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस बैंक के क्लोजिंग देखेंगे BSE के अंदर, तो आज यहाँ पर BSE के अंदर 16.40 रुपये की क्लोजिंग आज आपको यस बैंक की देखने को मिल रही है। यानी कि लगभग 14.5% का रिटर्न्स, 14.5% का अपर सर्किट आपको यस बैंक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसी के साथ अगर NSE की बात करूँ तो आज NSE के अंदर सबसे ज़्यादा आपको यस बैंक के शेयर्स में उठापटक देखने को मिली है। आज NSE के अंदर यस बैंक का शेयर 14.15 रुपये पर ओपन हुआ, और आज इसने यस बैंक के शेयर्स ने जो NSE के अंदर क्लोजिंग दी है वो है 16.30 रुपये की। यानी कि लगभग 13.5% की तेजी आज आपको NSE के अंदर भी देखने को मिली है। और इसे अगर आप ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था तब से लेकर लगभग 1 बजे के करीबन तक आपको शेयर्स की प्राइस के अंदर एकदम स्टेबल देखने को मिल रही थी। यानी कि कोई ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। यस बैंक का शेयर 14 रुपये से लेकर 14.50 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद में अचानक से आपको एक बूस्ट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यस बैंक ने 20% तक का अपर सर्किट भी यहां पर लगा दिया था, लेकिन यहां पर जो यस बैंक की क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी यहां पर नीचे आई है। यानी कि जो 20% की तेजी आपको यस बैंक के शेयर्स के अंदर देखने को मिली थी, उसके बाद में यस बैंक की जो क्लोजिंग आई है वो यहां पर 16.5% की तेजी के साथ बंद हुई है। यानी कि यस बैंक के शेयर्स के अंदर 16.5% की तेजी आज आपको देखने को मिली है। लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहली बात वही निकल कर आती है, क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहने वाली है? यानी कि कंटिन्यूसली क्या आपको यस बैंक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलने वाले हैं? और इसी के साथ जो इसका यहाँ पर यस बैंक के अंदर 15.50 रुपये का जो टारगेट था उसे यस बैंक ने आज क्रॉस कर दिया है, तो क्या आपको यहां से 21 से 22 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं? सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करें आज अगर हम यस बैंक की, तो यस बैंक के अंदर आज सिर्फ ओनली बायर्स आपको देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है, ओनली बायर्स इन यस बैंक ऑन NSE। जी हाँ दोस्तों, NSE के अंदर आज यस बैंक के अंदर सिर्फ बायर्स आपको देखने को मिले हैं। यानी कि यस बैंक को जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ खरीदना चाहते हैं, इसे बेचने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है। और जो यहाँ पर ब्रोकरेज फर्मों ने जो यस बैंक के जो टारगेट दिए थे कि यह 10 रुपये से भी नीचे चले जाएगा, आज उन सबकी बोलती यहाँ पर बंद हो गई है। इसी के साथ अगर यस बैंक की हम टेक्निकल रेटिंग को भी देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग भी यस बैंक की सुधरती हुई हमको देखने को मिल रही है। यानी कि डेली बेसिस पर अगर हम टेक्निकल रेटिंग देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस अगर आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहे हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको बियरिश से न्यूट्रल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर से उन शेयर्स होल्डर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 17, 18, 19 रुपये से बाइंग की लेवल ले रखी है। और उन मैंने हमेशा से कहा है कि आपको लॉस बुक करके बाहर नहीं होना है, आपको सही समय का इंतजार करना है। तो अब उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए दोस्तों उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वजह यानी कि आज यस बैंक के अंदर 20% का अपर सर्किट लगने की वजह है उसके वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वॉल्यूम बेस काम को देखेंगे एनएससी और बीएससी के अंदर आज यस बैंक की 36 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जी हाँ दोस्तों, 36 करोड़ क्वांटिटी, और आज एनएससी और बीएससी के अंदर यस बैंक वापस टॉप वॉल्यूम पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यस्टरडे यानी कि लास्ट सेशन फ्राइडे के दिन यस बैंक के अंदर 12 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, और अगर हम पिछले पूरे एक महीने की अगर यस बैंक की वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, 11 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़। लेकिन आज के दिन यस बैंक के अंदर 36 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील आज आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिली है, और ये ब्लॉक डील 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच की ही निकल कर आई है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लपक कर माल उठाया गया है, जिसके आज आपको यस बैंक के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। इसी के साथ अगर आप कैंडल्स भी देखेंगे तो कैंडल्स में भी आपको सिर्फ बाइंग की कैंडल्स देखने को मिलेगी 1 बजे के बाद में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 1 बजे का सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ उसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, और कैंडल्स भी एसी वैसी यानी कि छोटी कैंडल्स नहीं देखने को मिलेगी, सारी कैंडल्स आपको बुलिश मूवमेंट में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाय हुई है, यानी कि एनएससी के अंदर सबसे ज़्यादा आज क्वांटिटी उठाई गई है यस बैंक की। और अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पर यस बैंक के शेयर्स ने ₹16.30 को टारगेट को अचीव किया, वहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिली, और इसी के साथ आपको इसीलिए यस बैंक के अंदर 16.5% की तेजी के साथ आज यस बैंक क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन मैंने आपको हर बार की तरह कहा है कि यस बैंक एक बहुत अच्छा शेयर है, और यहाँ पर जो प्रशांत कुमार जी है जो कि यस बैंक के सीईओ है, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली हर एक स्टेप उठा रहे हैं यस बैंक को वापस से रिकवर करने के लिए, वापस डेट फ्री बनाने के लिए, और जितना भी कर्ज है यस बैंक के ऊपर उसे कर्ज मुक्त करने के लिए। इसी के साथ में अगर हम रिटर्न्स की तरफ भी नज़र मारें तो यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट एक वीक में 9.40% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। हालांकि अगर मैं इसके लास्ट कुछ ईयर्स की बात करूं तो यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, क्योंकि यहां पर यस बैंक के जो सीईओ थे पहले के, जिनका नाम है राणा कपूर, उन्होंने यस बैंक को डुबा दिया था, लेकिन अभी जो करंट यहां पर सीईओ हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार जी, वो यहां पर यस बैंक को वापस उठाने के लिए, वापस अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतने के लिए वापस पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स सभी को यहां पर देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के अंदर भी आपको 92% बाई की कॉल निकल कर आ रही है और 2% होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है, यानी कि ओवरऑल 100% के मार्केट कैप्चर के अंदर 94% लोग यहां पर यस बैंक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यस बैंक को अगर आप खरीदते हैं तो यस बैंक एक चीज़ माइंडसेट करनी होगी आपको कि यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे टारगेट देखे जा रहे हैं, और अगर यहाँ से यस बैंक बढ़ता है तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार की तेजी आज आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिली, और जैसी ब्लॉक डील्स आज आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिले हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वैसे ही उम्मीदें लगाई जा रही है कि कल भी आपको ऐसी ही बड़ी बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे ही यस बैंक के अंदर अगर कल भी मार्केट ओपन होता है और अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने यस बैंक के शेयर्स को खरीद रखा है तो अब आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यस बैंक वापिस अपने फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ आ गई होगी आज जो यस बैंक के अंदर 20% की तेजी बनी है उसके पीछे की वजह सिर्फ यस बैंक की वॉल्यूम है। आज यस बैंक के अंदर 33,56,83,477 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एनएससी के अंदर ही ट्रेड हुई है। हालांकि अभी तक ये नाम निकल कर नहीं आया, ये ब्लॉक डील की डिटेल्स निकल कर नहीं आई है कि कितनी बजे कितने प्राइस पर और कितने कितने क्वांटिटी की ब्लॉक डील्स हुई है। जैसे ही वो अपडेट भी आती है वो भी हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो वीडियो में चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको नए नए रेजिस्टेंस टारगेट हर एक शेयर्स की अपडेट देखने को मिल जाएगी।